अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड़िया फैशन फूड फैक्ट्री। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेस डिज़ाइन। इन्हें आप अपने ईद के कपड़ों पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं और आप अपने आम पहनने वाले जो गर्मियों के कपड़े हैं उन पर भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये सब टू पीस ड्रेसेस हैं। चलो तो फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने खाड़ी का लिया था, टू पीस ड्रेस है। इनके ट्राउजर में इस वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगी, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसका दुपट्टा देख लें पहले आप। इस कपड़े के अंदर जो है पर्पल कलर और ग्रीन कलर जो है कम है, ज्यादा पिंक है, इसलिए मैंने पर्पल और ग्रीन को ज्यादा उठाया है। सीधी पट्टी मैंने पर्पल रंग के कपड़े के लिए, ये मैंने घर से ही कपड़ा निकाला था और मैंने दुपट्टे के चारों तरफ इसको लगाया है सीधे रुख पे। देखिए ये इसकी बैक साइड है और ये शिटल लेस मैंने ली थी, ये 8 गज मैंने लेस ली थी जो कि चारों तरफ दुपट्टे की लगी है। ये देखिए इसका जो सेंटर है यहाँ पर पर्पल और ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें ऐसे। और जितने भी कपड़े मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ इन सब की वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहां से जाकर इनको देख भी सकते हैं। ये इसकी शर्ट है, मैंने गले पे ट्रायंगल बना के लगाई है, ट्रायंगल के ऊपर मैंने ये लेस अटैच की है। ये मैंने लेस 4 गज ली थी और ये मैंने पाकिस्तान से लेस मंगवाई थी और 4 गज लेस में से तकरीबन आधा गज मेरे पास बची है सिर्फ। उसके बाद मैंने इसके ऊपर गोल गला पलट दिया। बाजू मैंने इसके कफ स्टाइल बनाए हैं, आगे मैंने प्लेट्स लगाई हैं, 4 प्लेट इस तरफ हैं और 4 प्लेट इस तरफ हैं, और वही लेस लगाई है जो मैंने गले पे यूज की है और साथ मैंने ये पर्पल रंग की अंदर की तरफ करके पाइपिंग लगाई है। मैंने इसकी बॉडी बनाई है, जितना मेरा तीरा है उतने ही लंबाई में मैंने बॉडी बना के नीचे से अलग कपड़ा लगाया है, बैक साइड के ऊपर भी और फ्रंट साइड के ऊपर भी। 3 प्लेट मैंने इस तरफ डाले हैं 1-1 इंच के और 3 प्लेट मैंने इस तरफ डाले हैं ताकि इसमें थोड़ा सा जो है कमीज का टच ना आए, थोड़ा डिफरेंट हो जाए। और बैक साइड पर भी इसी तरीके से मैंने इसको प्लेट्स डाले हैं। फिटिंग की सिलाई यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से लेके चौक तक मैंने फ्रंट साइड के ऊपर लेस और पाइपिंग दोनों लगाए हैं, जिस तरह से मैंने बाजू पे लगाए हैं सेम इसी तरीके से। 10 इंच के मैंने इसके चौक बनाए हैं। जब आप चौक छोटे बनाते हैं तो आपको हिप से आपको कमीज काफी खुली रखनी पड़ती है, तो ये मैंने नीचे से बिल्कुल फिटिंग में नहीं रखा। फिटिंग इसकी सिर्फ चेस्ट से लेके कमर तक इसकी फिटिंग है और उसके बाद ये लूज है। नीचे से 1.5 इंच फोल्ड किया है और इसके दामन पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया। इसके फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड के ऊपर जो है ये पट्टी लगी हुई है नीचे चौक तक, ऊपर चेस्ट से मैंने इसको लगाना शुरू किया था, और ये बैक साइड के चौक है, इस पे मैंने कुछ नहीं लगाया, ये बिल्कुल सिंपल है। ये इस ड्रेस की फाइनल लुक है, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये ड्रेस भी मैंने खाड़ी से लिया था, इसका पहले मैं आपको दुपट्टा दिखा देती हूँ। दुपट्टे में थोड़ा वेट और अच्छी लुक लाने के लिए मैंने इसके ऊपर येलो रंग की पट्टी कंट्रास्ट में जो मैंने इसकी कमीज पे किया है और साथ मैंने इसके शिटल लेस अटैच की है। 8 गज लेस मेरी इस दुपट्टे के ऊपर लगी है और पट्टी को मैंने दोनों तरफ अटैच किया, ये देखिए। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको जल्द मिल जाएगी और इसकी वजह से दुपट्टे में बहुत ज्यादा फिनिशिंग आ रही है। ये देखिए इसके कॉर्नर्स हैं, ये इसका नेक डिजाइन है। इसके ऊपर डिटेल से वीडियो मेरे चैनल के ऊपर है। कमीज के अंदर येलो रंग थोड़ा था, इसको मैंने एनहेंस किया, साथ ही दुपट्टे में व्हाइट कलर था तो मैंने दुपट्टे का व्हाइट कलर जो है इसमें ऐड किया। अगर आप इसके प्रिंट के ऊपर गौर करें तो यहाँ पर सर्कल और वी शेप बनी है, तो मैंने लेस भी इसी तरह की यहाँ पे चूज की है जिसमें सर्कल और वी शेप हो। बहुत ही आसानी के साथ मैंने ये गला बनाया है, आप इसकी वीडियो लाजमी देखिएगा। देखें पहले मैंने कपड़े के ऊपर पिंटेक्स डाले हैं और उसको फिर मैंने कमीज के साथ अटैच करके और फिर उसके ऊपर मैंने गला पलटाया है। इसके बाजू बिल्कुल ऐसे जैसे डिजाइनर कपड़े होते हैं बिल्कुल इसी तरीके से मैंने इसके बाजू डिजाइन किए हैं। थोड़ी थोड़ी सी मेहनत है लेकिन यह है कि फिर आपके कपड़े जो हैं कोई ये नहीं कहेगा कि घर में सिले हुए हैं, सब यही कहेंगे कि बाजार से लिए हुए कपड़े हैं। जिस तरीके से मैंने गले के ऊपर पट्टी के ऊपर पिंटेक्स डाले और लेस अटैच की, सेम इसी तरीके से मैंने बाजू के ऊपर भी अटैच किया, लेकिन यहाँ पर मैंने कटवर्क का एडिशन किया है। ये देखें ये इसकी बैक साइड है, ये इसके चौक हैं।
चौक के ऊपर मैंने पट्टी लगाई है, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर कि मैंने ये पट्टी किस तरीके से अटैच की है। बहुत ही सिंपल तरीका है ये पट्टी अटैच करने का। और देखिए इसके फ्रंट साइड पे मैंने लेस लगाई है और इसका जो बैक साइड है उसकी पट्टी के ऊपर लेस नहीं है। 15 इंच के इसके चौक है। कमीज को मैंने खुला सिया क्योंकि आजकल वैसे भी खुले कपड़ों का फैशन है। ये इसका दामन है, दामन के ऊपर मैंने कुछ भी अटैच नहीं किया, चौड़ा फोल्ड किया है। यहाँ से मैंने इसको तरपाई की है और आगे से मैंने इसको सिलाई लगाई है। ये इसकी बैक साइड है, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये ड्रेस मेरे पास टू पीस है, इसके साथ ट्राउजर है, दुपट्टा नहीं है। और ये मैंने पता नहीं किस ब्रांड से लिया था, मैं भूल चुकी हूँ, काफी पहले लिया था, सिलाई मैंने इसको अप किया है। पहले मैं आपको इसका ट्राउजर दिखाती हूँ। वैसे मैं 7 इंच का पैंचा रखती हूँ लेकिन इस ट्राउजर का मैंने 8 इंच का पैंचा बनाया है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर है। तीन पिनटेक्स मैंने इसके ऊपर डाले हैं और बीच में मैंने पट्टियां बना के लगाई हैं। बहुत ही सिंपल सी डिजाइनिंग है इसकी। ये इसका नेक डिजाइन है, ये देखिए कमर तक मैंने इसको नेक डिजाइन बनाया है। दो लेसेस अटैच की हैं और बीच में मैंने 3 पिनटेक्स डाले हैं और फिर ऊपर मैंने 2 लेसेस अटैच की हैं वी शेप में। कंधे के मिड में से मैंने लेसेस अटैच करना शुरू की हैं और इसको यहाँ तक ऐसे मैंने लगाया है। इसकी वीडियो है मेरे चैनल पर, सारी मेजरमेंट्स में डिटेल से मैंने बताई हैं। और ये इसका नेक है, इसके ऊपर मैंने 2 मोती लगाए हैं। एक मैंने डार्क कलर का लगाया और एक लाइट कलर का। डार्क कलर का क्यों लगाया है ये भी आप इसका बाजू और दामन का डिज़ाइन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये इसका बाजू है, बाजू में जो है डार्क कलर का प्रिंट है इसलिए मैंने इसको मोती जो है डार्क कलर का लगाया है। और इसके साथ दुपट्टा भी जो है मैं डार्क कलर का लूंगी। शिफॉन का मेरे पास पर्पल कलर में दुपट्टा है, वो मैं इस्तेमाल करूंगी। बाजू के आगे मैंने पलटा लगाया है ट्राउजर के कपड़े का और उसके अंदर मैंने गोटा लेस अटैच की है। यही गोटा लेस मैंने यहाँ पर भी अटैच की है। जितना ही ऊपर से ये सादा है नीचे से उतना ही इसका डार्क कलर का प्रिंट है। और इस प्रिंट के नीचे जो है मैंने देखें इसको मैंने ज़्यादा नहीं डिज़ाइनिंग नहीं की, जस्ट इसके नीचे मैंने ऐसे पलटा लगाया है ट्राउज़र के कपड़े का और पलटे के साथ मैंने ये गोटा लेस अटैच की है। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं कि ऊपर से ये बहुत ज़्यादा लाइट है और इसका जो दामन है उसमें प्रिंट है। इसके कॉर्नर्स देख लें। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो डिटेल के साथ मैंने अपने चैनल पे ये वीडियो डाली है कि किस तरीके से खूबसूरती के साथ आसानी के साथ जो है आप ये पलटा लगा सकते हैं। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।